बिटसेट 2022 की स्लॉट बुकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। बट हमारे क्रैश कोर्स में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे उनमें से कईयों के मेल आ रहे थे कि भैया हमें जो है कौन से स्लॉट को प्रेफर करना चाहिए, और ये चीज भी उनके दिमाग में आ रही थी। उन्होंने पता नहीं कहाँ पे पढ़ा है कि आपके जो अर्ली स्लॉट्स होते हैं वो आपको बहुत ईजी देखने को मिलते हैं, और जो बाद वाले स्लॉट्स होते हैं उनमें पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आता है। तो हो सकता है कि शायद ये डाउट आप लोगों के मन में आ रहा हो, तो इस वीडियो के बाद वो डाउट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि अर्लियर स्लॉट्स में क्या इजी पेपर्स आते हैं। अब इस चीज से पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि आपकी बुकिंग डेट्स कब से कब तक रहने वाली है। तो वो रहेगी आपकी 17 जून से लेकर 22 जून तक। तो इस गिवन जो बुकिंग स्लॉट है इनके अंदर जो है हम आपको अपने स्लॉट को बुक करना पड़ेगा। और अगर हम ये चीज देखें कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने जो आपको ये गिवन विंडो है इसके अंदर वो बुक नहीं कर पाया, तो क्या उसको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर देंगे? तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी मतलब या टेस्ट स्लॉट अगर आप बुक नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है आपको जो भी स्लॉट बचा हुआ होगा वो दे देगा, और आपने जो भी मतलब प्रेफरेंस डाली होगी सिटी की उस हिसाब से जो है आपको जो है एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज का आपको टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि खुद से ही जो है अपना बुक कर ले स्लॉट, ठीक है ना। तो इससे ये रहेगा कि आपको आपका प्रेफर्ड स्लॉट मिल जाएगा, आपको आपकी प्रेफर्ड डेट मिल जाएगी, तो ये जो है ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर हम बिटसेट के सेशन वन की डेट्स की बात करें तो वो आपकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराई जाएगी फ्रॉम 2 जुलाई टू 9 जुलाई। तो ये जो है ये आपको डेट्स देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो है वेबसाइट पे ये चीज मेंशन नहीं है कि 2 से लेकर 9 तक जो है हर दिन आपके पेपर होना है। हो सकता है कि किसी दिन शायद आपके पेपर ना भी हो, तो ये चीज जो है ये हमें बुकिंग वाले ही दिन पता चलेगी कि कौन कौन से स्लॉट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। और ये जो आपकी प्रोसेस होगी ना स्लॉट बुकिंग की, ये किस बेसिस पे रखी जा रही है? तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रखी जाएगी। मतलब जो भी स्टूडेंट्स जल्दी बुक करेंगे उनको उनका प्रेफर्ड स्लॉट मिलेगा, और अगर वो स्लॉट जो है भर जाता है तो फिर वो स्लॉट को वहां पे बंद हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचे हुए स्लॉट्स रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भी रश की जरूरत नहीं है कि हाँ अगर हमारा पहले 2-3 मिनट के अंदर नहीं बुक हुआ तो वो स्लॉट चला ही जाएगा। चांसेस थोड़े कम है, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि वो जो है अपना प्रेफर्ड स्लॉट वहां पे बुक कर ले। तो ये बेटर रहेगा कि जो भी आपका टाइम रहता है उस हिसाब से जो है आप प्रोसेस के लिए बैठ जाए। अब यहाँ पे वेबसाइट पे ये चीज अपडेट नहीं करी गई है कि 17th को वो किस टाइम पे स्टार्ट होगा, पर जनरली जो है आपका 10 या 11 बजे के आसपास ही ये स्टार्ट होती है प्रोसेस। बाकी सारी अपडेट आपकी जो है वेबसाइट पे आ जाएगी। अब जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या अर्लियर स्लॉट्स में जो है आपके इजी पेपर्स आते हैं, तो ये जो है ये सरासर एक मिथ है, ठीक है। और आपको जो है इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। इसको जो है हम और अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे बिटसेट 2022 के ब्रोशर में भी ये चीज मेंशन है कि जो आपके बिटसेट के क्वेश्चन रहेंगे दैट विल बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लार्ज क्वेश्चन बैंक। तो एक क्वेश्चन बैंक के अंदर से जो है वो क्वेश्चन को उठाया जाएगा। डिफरेंट कैंडिडेट्स विल गेट डिफरेंट क्वेश्चन सेट्स। एन एक्सपर्ट कमिटी विल इंश्योर दैट द क्वेश्चन सेट्स आर ऑफ कंपेरेबल डिफिकल्टी लेवल कंटेंट क्वेश्चन टाइप एक्सेट्रा। इन दिस मैटर द डिसीजन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हो गया है कि यार जो एक्सपर्ट कमिटी है वो ये चीज इंश्योर करेगी कि सारे पेपर जो है वो सेम लेवल के बने, ठीक है। तो अगर जो है आपको एक पेपर जो है इतना मतलब कि उसमें डिफिकल्टी लेवल इतनी रखी है तो दूसरे पेपर में भी सेम डिफिकल्टी लेवल रखेंगी। हो सकता है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आए कि भाई उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ होता है तो उसको लगने लगे पेपर ही टफ आया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में जो है पेपर को सेट किया जाता है और आपको जो है उस हिसाब से ही उसको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि अर्लियर स्लॉट्स में बहुत ईजी पेपर आएंगे और फिर बाद के स्लॉट्स में जो है डिफिकल्ट हो जाएंगे। देन सेकेंड चीज जो है वो ये है कि हमारा एक्सपीरियंस, हमने 2 साल से यार बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि आपके जो स्टूडेंट्स मतलब यार पहले के भी स्लॉट बुक कर रहे हैं उनको भी सेम लेवल डिफिकल्टी का पेपर देखने मिलता है, जो बाद के स्लॉट बुक कर रहे हैं उनको भी सेम डिफिकल्टी लेवल का। ऐसा नहीं होता है कि उसको बहुत ही ईजी पेपर डाल दिया और इसको जो है बहुत ही मुश्किल डाल दिया। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपने बिंदास जो भी स्लॉट आपको सही लग रहा है वो बुक करें। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा लेकिन हेल्प करना चाहेंगे कि आपको अपना प्रेफरेंस जो है किस बेसिस पे रखना चाहिए, क्या मतलब आपको जो है स्लॉट को बुक करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ये चीज देखें कि आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट और बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट कब है, तो ये हो जाएगा आपका 24 जून से लेकर 29 जून के बीच में आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड बिटसेट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई। तो ये चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके दोनों ही ये जो अटेम्प्ट है इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के जो है अपने स्लॉट्स को बुक करना होगा। अब सबसे पहले अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं,
तो उनको ये ट्राई करना चाहिए कि वो अपने लास्ट स्लॉट्स जो है बुक करे, 8 या फिर 9 जुलाई का जो है ट्राई मारे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको क्या है इससे कि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट और बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है एक अच्छा खासा गैप मिल जाएगा। तो अब अगर आप जो है बिटसेट एग्जाम पे ही ज्यादा फोकस कर रहे थे और मान लीजिए जेई मेंस का पेपर जो है आपका थोड़ा बहुत बिगड़ गया, तो कहीं ना कहीं आप जो है अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको थोड़े से ब्रेक की जरूरत रहेगी। प्लस आप अपनी कुछ गलतियों को एनालाइज कर पाएंगे कि जेई मेंस में जो गलतियां हुई है वो आप बिटसेट में ना दोहराए, तो उन चीजों पर भी आप जो है एक तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो इससे जो है आपको एक सफिशियंट टाइम मिल जाएगा। प्लस मान लीजिए कि अगर आपने अभी तक जो है बिटसेट के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे, जो कि एक बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बिटसेट एग्जाम के लिए अपियर हो रहे, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए जाने जो है आप नहीं जान सकते कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है, और वो चीज बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है फॉर बिटसेट एग्जाम। तो आपको जो है थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अगर आप जो है लास्ट स्लॉट बुक करेंगे, 3 से 4 दिन जो एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें आप थोड़े बहुत मॉक टेस्ट और लगा पाएंगे। तो ये चीज जो है ये आपके लिए जरूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि आपको बिटसेट के मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए, तो आप जो है हमारी वेबसाइट tenqchallenge.in पे जो है विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है सेट ऑफ 25 और 10 के इसमें जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि एक बिटसियंस की एक्सपीरियंस टीम ने आपके लिए तैयार करके रखे। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट सीरीज रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिटसेट के आपके लिए कोर्सेस है जो कि आपके प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो कि बिटसेट के सेकेंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे, तो उनको जो है अर्ली स्लॉट्स को बुक करना चाहिए, जो कि हो जाते हैं हमारे 3rd या 4th में आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने जेई मेंस और बिटसेट के दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट से जो है कम से कम रिलीव हो जाएंगे। आपने कहा कि चलो भाई वो एग्जाम्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए, और आप ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस आप सेकंड अटेम्प्ट पे कर पाएंगे, क्योंकि वही आपका जो है एक तरीके से मेन टारगेट होगा। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो जो है अब आप एक बस दे रहे हैं कि आपको कम से कम एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिल जाए, बट हो सकता है आप अभी भी जो है कंप्लीटली प्रिपेयर्ड ना हो और आपका मेन टारगेट जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट है। प्लस ये भी चीज हो जाएगी कि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए कि किस पोर्शन पे आपको अब ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अब आप बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके होंगे, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके होंगे, तो अब आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही पता चल जाएगी। तो एक सफिशियंट टाइम के अंदर जो है उन चीजों पर आप वर्क कर सकते हैं, तो ये चीजें आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। अब हो सकता है एक अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स भी हो जो कि बिटसेट एग्जाम को सिर्फ एज अ बैकअप एग्जाम दे रहे, तो उनको भी जो है अर्ली स्लॉट्स को ही बुक कर लेना चाहिए 3rd और 4th जुलाई। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत जल्दी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से फ्री हो जाएंगे दोनों ही जेई मेंस और बिटसेट के, और कंप्लीटली जो है फोकस कर पाएंगे आपके जेई एडवांस एग्जाम, या फिर हो सकता है आप सेकेंड अटेम्प्ट पे भी जो है एक चाह रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के मुकाबले वहां पे इंप्रूव हो जाए, तो ये चीज जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो उनके लिए भी जो है अर्ली स्लॉट्स बुक करना ही फायदेमंद रहेगा, ताकि वो जो है अपनी दूसरी एग्जाम्स में यहाँ पे फोकस कर पाए। अब यहाँ पे हमने जो है सारे सिनेरियो को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, बट अब आपको जो है खुद डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्लॉट जो है आपके लिए बेटर रहेगा। प्लस वहां पे जो है अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए उस टाइम पे, तो ट्राई करिएगा कि जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्लॉट बुक करें, ताकि आपको आपका प्रेफर्ड स्लॉट मिल पाए। तो इसी तरीके से और भी हेल्पफुल वीडियोस बिटसेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके लिए आते रहेंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।